हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट कलर्स स्टाइल एंड एचएसएल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कलर्स आर यूज्ड टू मेक द पेज मोर अट्रैक्टिव। ओके, जो हमारे कलर्स होते हैं, जैसे कि हमारा ये वेब पेज है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं हमारे ये टेक्स्ट के ऊपर ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारे कलर्स होते हैं वो उसको, जो हमारा वेब पेज है उसको अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। Here are the different style which can be used to create new color by the combination of different colors. जो हमारे पास कलर्स होते हैं बहुत सारे, उन सभी को मिला के हम डिफरेंट टाइप्स के कलर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन जैसे हमारा hexadecimal style हो गया, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारी हैश वैल्यू होती है कलर्स की, वो हम इसमें यूज करते हैं। इन दिस स्टाइल वी डिफाइन द कलर इन 6 डिजिट hexadecimal नंबर फ्रॉम 0 टू F, ठीक है। जो हमारे पास 6 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं वो यहाँ पर हम यूज करते हैं, और उनकी रेंज होती है 0 to F, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय हैज द फर्स्ट टू डिजिट इंडिकेट रेड कलर। जो हमारे जो स्टार्टिंग के दो डिजिट होती है, जैसे यहाँ पर हमारे 00, तो ये हमारे डिनोट करती है रेड को, एंड उसके जो आगे वाली है वो हमारी करती है ग्रीन को, एंड जो लास्ट वाली है वो हमारी करती है ब्लू को, ठीक है। सो ये हमारा होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो ये हमारे पास तीन इसमें कलर होते हैं। इफ यू वांट ऑल H1 टेक्स ऑफ पर्पल कलर, सो हम ये पर्पल कलर की हमारे यहाँ पे यूज हम इसको कर सकते हैं। हमारा जो यहाँ पे हैश जो है, ये हमारा आएगा इसके ऊपर 100%, ठीक है। तो इसका जब हम आउटपुट देखेंगे तो यहाँ हमारे पास इस तरह का यहाँ पे आउटपुट आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास RGB स्टाइल, रेड ग्रीन ब्लू। इन दिस वी नीड टू गिव 3 नंबर्स इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ रेड ग्रीन ब्लू कलर्स रेस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड इन द मिक्सड कलर। द रेंज ऑफ ईच कलर इज फ्रॉम 0 to 255, ठीक है। तो इसकी रेंज 0 से 255 के बीच में हमारे पास यहाँ होती है। जो हमारा फर्स्ट होता है ये हमारा रेड होता है, नेक्स्ट होता है ग्रीन, एंड लास्ट होता है हमारा ब्लू। सो यहाँ पे इसका आप देख सकते हो फंक्शन भी होता है हमारे पास RGB, रेड ग्रीन ब्लू। अब इसका जब हम आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ग्रीन, क्योंकि हमारे जो मिडिल वाला जो है इसकी रेंज हमने फुल कर दी है, यानी कि 255 जो है हमने इसको पूरी पूरी रेंज दी है ग्रीन कलर को, दैट्स व्हाई हमारा ये प्रिंट हो रहा है ग्रीन में। और जो हमारे पास रेड है और जो ब्लू है वो हमारे पास है 00, तो ये हमारे पास कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर RGBA, जो हमारे पास एक और फंक्शन होता है RGBA, ठीक है। सो इज अ ब्लैक कलर एंड RGB इज व्हाइट कलर। जो हमारे पास यहाँ पे हम जो 00 होता है ये हमारा होता है ब्लैक, एंड देन जो ये हमारे पास इनकी रेंज अगर हम फुल कर देंगे तो हमारे पास ये टोटली व्हाइट में आ जाएगा, ठीक है, RGBA स्टाइल। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, ठीक है। दिस स्टाइल अलाउज अस टू मेक द कलर ट्रांसपेरेंट अकॉर्डिंग टू अवर विल। जैसा हम चाहते हैं, अगर हमको ऐसे मानना है कि हम कितना किसी टेक्स्ट को दिखाना है, तो हम वो भी हम इसमें कर सकते हैं RGBA स्टाइल के थ्रू। अल्फा इंडिकेट द डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि हम इसको ओपेसिटी भी बोल सकते हैं कि हमको कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना है। द रेंज ऑफ ग्रीन ब्लू एंड रेड इज फ्रॉम 0 to 255, एंड दैट ऑफ अल्फा इज फ्रॉम 0 to 1। जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू होती है, यानी कि जो हमारे पास ओपेसिटी होती है, या हम इसको ट्रांसपेरेंसी भी बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0 to 1। 0 होता है एक तरह से हाइट, बिल्कुल हमको कुछ नहीं दिखेगा। जो 1 होता है ये हमारे पास टोटली 100% शो होगा, ठीक है। अब इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। इफ यू वॉन्ट ऑल H1 टैग्स ऑफ ग्रीन कलर, अगर हमको सभी ग्रीन में करने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास इसकी अल्फा की वैल्यू है 1, तो इस वजह से हमको ये यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास HSL कलर्स। Here H stands for hue, S for saturation and L for lightness. HSL color value are specified H. So first आता हमारे पास hue, saturation and lightness. So हमारे पास यहाँ पे तीन properties की होती है। Now HSL हमारे पास function होता है HSL color value. Now hue is the color of the image itself. जो image की जो color है वह हमारा hue के through होता है। Its range is फ्रॉम 0 to 360, 0 इज फॉर रेड एंड 120 इज फॉर ग्रीन एंड 240 इज फॉर ब्लू। सो हमारा इस तरह से इसको हम डिवाइड करते हैं। सेचुरेशन इज द इंटेंसिटी प्योरिटी ऑफ द ह्यू, यानी कि कितना क्लियर हमको वह दिखेगा। 0% इज फॉर अ शेड ऑफ ग्रे एंड 100% इज फॉर द फुल कलर, ठीक है। हमारे यहाँ 0% करेंगे तो ये सैडनेस दिखाएगा हमको, यानी कि सैड यानी कि
एक तरह से शेडो हम बोल सकते हैं। व्हेन कलर इज फुल्ली सेचुरेटेड द कलर इज कंसिडर्ड इन द प्योरेस्ट ट्यूरेस्ट, ठीक है, ट्यूरेस्ट वर्जन। नाउ लाइटनेस इज द कलर स्पेस ब्राइटनेस 0% इज फॉर ब्लैक एंड 100% इज फॉर व्हाइट, यानी कि हमको किस तरह से उसको दिखाना है, ब्लैक में या फिर व्हाइट में। तो हम इनकी हेल्प से हम एक, जैसे हम कोई भी इमेज नॉर्मली एडिट करते हैं किसी भी ऐप पर, उस तरह से हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। नाउ एच एस एल ए, सो एच एस एल ए कलर वैल्यू आर एक्सटेंशन ऑफ एच एस एल कलर वैल्यू विद एन एल्फा चैनल एडेड। जैसे हमारा आर जी बी ए में था एल्फा, उसी तरह हमारे यहाँ पे एल्फा काम करता है, जो कि हमें ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू को डिफाइन करने में हेल्प करता है। इसका सिंटेक्स हमारे पास वो सेम है, बस इसमें हमारे जो लास्ट में है एल्फा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमको जब इनको यूज करना है तो हम इसको एक तरह से सी एस एस के थ्रू हम इसको यूज करेंगे। तो सी एस एस भी कौन सी, हमारे पास इंटरनल जो सी एस एस होती है उसके थ्रू। इंटरनल में क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं, उसका टाइप दे देते हैं टेक्स्ट एंड सी एस एस, एंड इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे स्टाइल में। ठीक है, नाउ हमारे पास जितने भी एच वन टैग है उनका कलर हमारे पास ये होगा, यानी कि जो भी टेक्स्ट का कलर होगा वो, उनका बैकग्राउंड होगा वो हमारा ये होगा, एंड देन नेक्स्ट कलर हमारे पास ये होगा। तो हम इस तरह से इन सभी को यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास सेम यहाँ होगी। जैसे हमारे पास ये थोड़ा व्हाइट में था, ठीक है, व्हाइट में नहीं था, थोड़ा सा ऐसे व्हाइट थोड़ा मान सकते हैं हम। ठीक है, एंड देन इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो थोड़ा ब्लू था। तो इस तरह से हम इन सभी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।